दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सो ये देख सकते हैं कि आज मैं जा रहा हूँ टायर डलवाने आगे के, क्योंकि ये देखिए जो ये घिस चुका है और एक ये घिस चुका है, देखिए कट वगैरह भी लग चुका है, जिस कारण प्रॉब्लम है। ये टायर कभी भी जवाब दे सकता है, हालांकि उतना नहीं घिसा और ये टायर अपना फट चुका है, इधर से नहीं दिख रहा है, इस साइड से दिखेगा। रुक जाओ, आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जो मेरी स्टेपनी है ना, वो भी फट चुकी है, ये देखिए। अब दो टायर अपने ख़राब हो चुके हैं बिल्कुल, इसलिए आगे का मैं सोचा था पहले एक टायर लेने का, फिर नहीं यार कुछ और भी प्लानिंग है अपनी, तो जिस कारण मैं दोनों टायर चेंज करवाना सोच रहा हूँ। अब प्लानिंग क्या है मैं बताता हूँ। ये देखिए, इधर का टायर सही है तो इसको स्टेपनी में ले लूँगा, और जो उधर वाला टायर है ना, जो उधर वाला टायर है, उस साइड का टायर जो कि आप लोगों को मैं दिखाया हूँ थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो उसको उस टायर को हम लोग मतलब कि वैसे ही रख दूंगा घर पे, जो बाई चांस लोड पड़ जाएगा तब इसको स्टेपनी में। और दोनों सेम टायर चेंज करने का रीज़न मेरा ये है कि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अलॉय व्हील डाला जाए, थोड़ा गाड़ी को अलग सा मॉडिफिकेशन कराया जाए। सो अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ ढोलेवाल, और ढोलेवाल के आगे ही मतलब कि वहाँ पे टायर अमन टायर वाला है, वहाँ पे जा रहा हूँ मैं टायर चेंज करवाने के लिए, और देखते हैं कौन सा टायर अच्छा लगेगा वो डलवाऊँगा। और भाई इतना पैसा नहीं है आपकी बाइक पास, EMI पे डलवाऊँगा। भाई आप ऐसा सोचो कि भाई पैसा बहुत है सूरज भाई के पास, तो ऐसा नहीं है कुछ। और भाई रीज़न आप लोग कहोगे अभी तो टायर सही सलामत है आप चलाते रहो, बट ऐसा कुछ नहीं भाई, पैसा जो हमें इसी से कमाना है, अपने रोजी रोटी से कमाना है, तो भाई इतना तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं टायर डलवाते हैं। कौन सा टायर डलवाऊँगा सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा, कितने रुपये लग गए सब कुछ, तो इस वीडियो में जो आप लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को पता लग जाएगा। और वीडियो जो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम। फाइनली आप लोगों ने देख ही लिया टायर कौन से लग रहे हैं, तो अब चलते हैं टायर लगवाते हैं। फिलहाल फटाफट निकालता हूँ गाड़ी, बट भाई वो अलॉय व्हील के साथ बहुत गजब लगेंगे, अलॉय व्हील आपका भाई जल्दी ही डलवाएगा। सो फटाफट चलते हैं टायर लगवाते हैं। 715 का टायर जोड़ी 18,500 रुपये में, और अपना लगने जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर है अमन टायर, भाई यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ गाड़ी अपनी में, एक मिनट वेट करो। ये हमारा भाई है, पूरे भाई। लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। कौन बोलेगा? बोले नहीं, बोल बोल भी टायर पवाना है जी। से टायर खुला नहीं तो गोपी भाई खोल रहा है स्टेपनी जो फटा हुआ है। एक गुरप्रीत भाई है, आईफोन वाला लड़का, 1.7 चलाता है ये। शक्ल दिखा भाई। हाँ जी, ये देखो खोल दिया हमारा भाई टायर, निकालते हैं अब इसको पीछे से। तो फाइनली गाइस ये टायर लग चुके हैं, इसका भी डिटेल आप लोग को प्रॉपरली देता हूँ। थोड़ा ये दुकान से निकल जाया जाए, अपना दोस्त है, अपने दोस्त ने ये टायर डलवाया। ये 715 का टायर है, 715 हम बोल सकते हैं। ये 1.7 का है, जो कि अपना 1.7 के साथ आता है JK का टायर, और मैंने भी JK का ही डलवाया है। बाकी वो ऐसा टायर इसलिए डलवाना है क्योंकि हमने डलवाना है साथ में अलॉय, तो आप लोग को सबको डिटेल देता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए आप। तो अभी मैं घर के लिए निकल चुका हूँ, और पीछे अपना आ रहा है गोपी भाई, और बिल वगैरह इधर उधर मैंने कहीं फेंक दिया, और दोनों ट्यूब है पीछे, दोनों टायर पड़े हैं। सो ये सब लेके जा रहा हूँ भाई, स्टेपनी खोलने में तो हालत टाइट होगी अपन दोनों की। सो पहले घर पे पहुँचे और गाड़ी आज पहले धुलवा दूँ, धुलवाने के बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि आज जो एक दिन का टाइम मिलता है भाई उसमें गाड़ी गुड़ी धुलवा देनी चाहिए, गाड़ी हो चुकी है बहुत ज़्यादा गंदी। तो चलते हैं पहले गाड़ी अच्छे से धुलवा देंगे, धुलवाने के बाद फिर मैं आप लोग को अच्छे से डिटेल देता हूँ क्या सीन है क्या नहीं। तो एक घंटा लगेगा अपने को, एक घंटे के बाद फिर। अभी फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ, और घर पे आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि भाई ये देखो खेल घुसा हुआ है, इसको निकाला जाए, पेच है, इसको निकालते देखते कितना बड़ा है ये।
औजार थे भाई, इतना निकल चुका है, अब हाथ से निकालते हैं प्यार से भाई। पर बहुत टाइट है, पिलास से ही निकलेगा लगता है। पिलास लेके आता हूँ फिर निकालता हूँ। पिलास लेके आ गया हूँ, पिलास से निकालता हूँ इसको अब मैं। ये देखिए भाई इतना बड़ा था, ये पता नहीं कब से घुसा हुआ था। चलो निकल गया फिलहाल, अब गाड़ी साइड में लगाते हैं, उसके बाद फिर धुलवाने ले जाएंगे। इसलिए टायरों पे ध्यान जरूर मारा करो दोस्तों। आप लोग देख सकते हो गाड़ी बिल्कुल धुल चुकी है, और टायर देखिए कितना औसम लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं भाई, टायर के अंदर जो क्वालिटी है ना अलग ही लगता है। बाकी इसमें जब अलॉय व्हील लगेंगे ना भाई, तब अलग ही सिस्टम हो जाएगा पूरा। देख सकते एक दो तीन, मतलब कि एक दो तीन लाइन वाली है और चार गुड्डी वाली है, काफ़ी अमेजिंग है। इसका रेट बता दूँ आप लोग को तो मेरे लगे हैं 1200 के टायर हैं। सो इसको मैंने लिया भाई किस्तों पे, तो आप लोगों को किस्तों की कहानी मैं बता दूँ। देखिए यहाँ पे जो चार्जेस है वो है 12240 रुपये का वो है, और 1200 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मतलब GST लग के 12240 रुपये का पड़ा ये, और टोटली पड़ा है 13440 रुपये का। ये देखिए आप लोग को पास से दिखा देता हूँ। रीज़न ये है कि मैंने बजाज कार्ड पर लिया है, तो मुझे 1440 रुपये का अपने को वो पड़ा है ब्याज। सो ये अपना जो कि है टायर है, टायर का नंबर भी बता देता हूँ आप लोगों को, 8840110 मतलब इसका नाम है। ट्यूब का भी नाम लिखा इन्होंने, दो पीस है। सो ये चीज़ें हैं, बस पीछे कुछ नहीं है। बाकी जिसके नाम पर GST है, मेरा एक फॉरम है, दोस्त यार है, उसके नाम पे GST कटवा दिया ताकि उसको कुछ फ़ायदा हो जाए। बाकी इसकी कोई भाई गारंटी वगैरह नहीं मिली है JK की, और JK की गारंटी वगैरह मिलना बंद हो चुकी है। और दूसरी बात आप लोग को मैं गाड़ी कितनी चली वो बता देता हूँ, ताकि आप लोग को पता रहे कि कितने पर चली, और लिख भी देते हैं हम लोग। 74,580 किलोमीटर चला है, और यहाँ पे भी वही लिख दिया हमने 74,580 किलोमीटर, और बाकी जो रेट वगैरह है मतलब कितने रुपए लग गए मेरे मतलब टोटली। और 6 किस्तें हैं दोस्तों, किस्त बताना आप लोग को भूल गया। सो 6 किस्तें हैं, 6 किस्तें कटेंगी गाइस, 6 किस्तें कटेंगी बजाज की अपनी, जो कि अब 2 अक्टूबर को कटेगी, और उसके बाद फिर मतलब कि 6 लगातार कटेंगी 6 महीने तक। तो फिर ये रहा अपना टायर चेंज कराने का, जो आप लोग भी चेंज कराना चाहते हो तो करा सकते हो। और दूसरी बात आप लोगों को बताता हूँ, कोई भी टायर की गारंटी नहीं मिलती कट्टे फिटे की। हाँ भाई ये तुम्हें गुमराह करना चाहे तो वो बात अलग है कि भाई स्टार्टिंग में कह दें कि हाँ मिलेगी, और जब आप लोग जाओ तो चूतिया बना दे। तो बहुत सी ऐसे टायर हैं जो देते भी हैं कि नहीं भी देते हैं, बहुत से टायर अब बंद कर दिए, जो कि मेरे पीछे मैंने CH का डलवाया था, वो बोल रहे थे कि हाँ है, बट अब खत्म कहानी। अब इस बारी मैंने JK का डलवाया, सो इसलिए मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है। या आगे का देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा टायर JK का, कंपनी नेम JK, और चेंज करवाया मैंने इतना 74,580 किलोमीटर पे, और आगे के हैं और 13,440 रुपये लगे हैं। तो ये सब कुछ मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अपने पास एक रिकॉर्ड रहे, वीडियो के थ्रू भी और यहाँ पर भी रहेगा। और इसी प्रकार की वीडियो जो आप लोग को पसंद है तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम। और भाई नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और लाइक जरूर कर देना। जय श्री राम, मिलते हैं किसी और वीडियो में। लव यू गाइस, टेक केयर।